गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो टुडे टॉपिक इज अबाउट डिस्कस माइकोप्लाज्मा आर ओ आर फाइटोप्लाज्मा। तो आज का क्लास आपका है माइकोप्लाज्मा, उसी को हम फाइटोप्लाज्मा के भी नाम से जानते हैं। माइकोप्लाज्मा आप जो प्लांट पे डिजीज कार्य करेगा उसको फाइटोप्लाज्मा कहते हैं, राइट। तो माइकोप्लाज्मा अवली फाइटोप्लाज्मा, देखिए पीपीएलओ इसका शॉर्ट नेम, उसको माइकोप्लाज्मा कहते हैं। पीपीएलओ पीपीएलओ मीन होता है प्लीरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लीरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अगर कहीं माइकोप्लाज्मा वहीं एमएलओ लिखा होगा तो माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है। ये पीपीएलओ होता है प्लीरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, राइट। अब पहली बार किसने इसको डिस्कवर किया था, क्योंकि माइकोप्लाज्मा एक ऐसा है पहले कोकाइड रूप में ही रखा जाता था, ये जाना जाता था कि बैक्टीरिया है। बट जैसे जैसे रिसर्च बढ़ता गया, आगे रिसर्च होता गया, बाद में लोगों ने महसूस किया कि ना यह बैक्टीरिया है ना वायरस है, बल्कि उसके बीच का यह है, बैक्टीरिया और वायरस के बीच का ये स्थान है। तो इसको सबसे पहले नोकार्ड एंड रॉक्स 1898 कब नोकार्ड एंड रॉक्स 1898 सस्टेड इन ग्रोइंग द ऑर्गेनिज्म इन सीरम इन रिच्ड ब्राथ इन विट्रो द ऑर्गेनिज्म वाज नेम्ड एस्ट्रोकोकस माइकोटिस। सबसे पहले सफलतापूर्वक इसको सीरम पे ग्रो कराया था नोकार्ड एंड रॉक्स साहब ने 1898 ईस्वी में, राइट। देखिए इन विट्रो मीन्स होता है कि लेबोरेटरी, और इन विवो कहीं टर्म आ जाएगा तो उसके मीन्स होता है कि फील्ड का रिसर्च, राइट। इन विट्रो मीन्स लेबोरेटरी रिसर्च एंड इन विवो मीन्स फील्ड रिसर्च। सो फर्स्ट टाइम सीरम पे इसको ग्रो कराया इसने नोकार्ड एंड रॉक्स ने, एंड नाम उसका रखा द ऑर्गेनिज्म वाज नेम्ड एस्ट्रोकोकस माइकोटिस। अब उस समय कोई नाम नहीं था, इसलिए समझ पाए थे कि बैक्टीरिया जैसा लाइक स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया होगा, इसलिए फर्स्ट नाम उसका रखा एस्ट्रोकोकस माइकोटिस, राइट, एस्ट्रोकोकस माइकोटिस। एंड जैसे जैसे रिसर्च होता गया आफ्टर डुई एट ऑल 1967 एंड इशू एट ऑल 1967, एट ऑल का मतलब मीन्स होता है कि बहुत सारे वर्कर उनके साथ मिलकर काम किए, जिसके साथ भी एट ऑल जुड़ जाएगा उसके मीन्स ये होता है कि बहुत सारे वर्कर एंड अदर वर्कर हेल्प। तो डुई एट ऑल एंड 1967 एंड इशू एट ऑल 1967 फॉर द फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड द माइकोप्लाज्मा, पहली बार इन्होंने माइकोप्लाज्मा को रिपोर्ट किया था, राइट। तो फर्स्ट टाइम ग्रो कराया नोकार्ड एंड रॉक्स साहब ने एंड रिपोर्ट किया डुई एट ऑल, राइट। नेक्स्ट अब आइए कैरेक्टर पे माइकोप्लाज्मा का कैरेक्टर है। फर्स्ट कैरेक्टर इसका कहता है कि माइकोप्लाज्मा आर स्मॉल यूनिसेलुलर ग्राम पॉजिटिव एंड नॉन मोटाइल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। माइकोप्लाज्मा आर स्मॉल यूनिसेलुलर ग्राम पॉजिटिव एंड नॉन मोटाइल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। जैसा कि आप जानते होंगे कि माइकोप्लाज्मा एकदम सूक्ष्म एक कोष की जीव, ग्राम पॉजिटिव होता है, नॉन मोटाइल मतलब फ्लैजिला नहीं पाया जाता है, और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में आता है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, राइट। नंबर टू पॉइंट है इंटरमीडिएट बिटवीन वायरस एंड बैक्टीरिया। यह न वायरस होता है न बैक्टीरिया होता है बल्कि उसके बीच में होता है, तो बिटवीन वायरस एंड बैक्टीरिया, बैक्टीरिया वायरस से बड़ा और बैक्टीरिया से छोटा होता है, राइट। थर्ड पॉइंट है कि दे कैन बी कल्चर्ड इन सेल फ्री मीडिया, इसको सेल फ्री मीडिया पे कल्चर करके उगाया जा सकता है, जैसे आप बैक्टीरिया को उगाते हैं उसी तरह इसको भी सेल फ्री मीडिया पे कैन बी कल्चर्ड इन सेल फ्री मीडिया, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर फोर्थ कि दे आर ऑल्सो फ्राइड एग शेप कॉलोनी। जब इसकी कॉलोनी होती है, जैसे आपने देखा होगा कि दुकानदार अंडे को फोड़ कर ऑमलेट बनाता है, उसको जिम अंडा डाल बर्तन में डालता है ऑमलेट बनाने के लिए, वो एक स्फेरिकल शेप धारण कर लेता है, ठीक वैसे ही इसका स्ट्रक्चर जो होता है स्फेरिकल शेप जैसे होता है, उसी को हम फ्राइड एग कहते हैं, कि ऑमलेट जैसे अंडे का बनता है फ्राइड एग गोलाकार स्ट्रक्चर बन जाता है, इस तरह आपको देख रहे होंगे, उसी तरह इसको हम कहते हैं फ्राइड एग के नाम से भी जानते हैं, इसकी कॉलोनी फ्राइड एग की तरह होती है, राइट। नेक्स्ट दे आर हाईली प्लियोमॉर्फिक, यह उच्च प्लियोमॉर्फिक होता है। देखिए दो कंडीशन होती है, पॉलीमॉर्फिक होता है प्लियोमॉर्फिक, प्लियोमॉर्फिक मतलब एक ही प्लांट पे हो प्लियोमॉर्फिक कहते हैं लाइक उसकी, तो दे आर हाईली प्लियोमॉर्फिक, राइट। नेक्स्ट है
स्फेरिकल एंड कोकाइड बॉडी, यह गोलाकार होता है और कोकस फार्म लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए कोकस फार्म स्ट्रक्चर फर्स्ट बार दिखाई दिया था तो लोग कंफ्यूज कर गए थे कि यह सब कोकस टाइप बैक्टीरिया है, बट बाद में स्ट्रक्चर इसका अलग पाया गया और इसीलिए इसका नाम रखा गया माइकोप्लाज्मा। तो दे स्फेरिकल एंड कोकाइड बॉडी, राइट। नेक्स्ट है कि दे आर बाउंडेड बाई ट्रिपल लेयर लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन, जो इसकी मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे ट्रिपल लेयर मेम्ब्रेन होती है, सेलवाल अब्सेंट होता है, सिर्फ एक लिपोप्रोटीन की मेम्ब्रेन होती है जिसमें लिपिड प्लस प्रोटीन दोनों मिलके लिपोप्रोटीन के बने होते हैं और तीन लेयर इसकी होती है, राइट। अभी अगला आगे भी बताया जाएगा इसके बारे में। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में अभी जो कैरेक्टर चल रहा है, सो दे आर बाउंडेड बाय ट्रिपल लेयर लिपिड लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन, राइट। नेक्स्ट है दे आर इंक्लूड्स डीएनए राइबोसोम एंड साइटोप्लाज्म। आरएनए भी इसके अंदर डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है, बहुत सारे राइबोसोम पाए जाते हैं इसके अंदर रहते हैं, राइट। दे फिल्टरेबल थ्रू बैक्टीरियल फिल्टर। अब ये जानिए कि इतना सूक्ष्म होता है कि जो बैक्टीरिया जिस फिल्टर से छन जाता है उसे छन नहीं पाता, बल्कि क्या करता है, पास जाता है। तो दे फिल्टरेबल थ्रू बैक्टीरिया फिल्टर, फिल्टर से बैक्टीरियल फिल्टर से नहीं छन पाता बल्कि पास जाता है। नेक्स्ट है कि दे आर फ्री लिविंग पैरासाइट एंड सप्रोफाइट। देखिए ये दोनों कंडीशन होता है, पैरासाइट के रूप में भी होता है और सप्रोफाइट के रूप में होता है। सजीव पे रहेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे रहेगा तो पैरासाइट होगा, क्योंकि आप जानते हो कि ग्रो ऑन ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म इट इज कॉल्ड पैरासाइट एंड ग्रो ऑन ओनली डेड ऑर्गेनिज्म इट इज कॉल्ड सप्रोफाइट। सो पैरासाइट एंड सप्रोफाइट आर बोथ, माइक्रोप्लाज्मा आर सप्रोफाइट एंड पैरासाइट, राइट। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन बाई बडिंग एंड फ्यूजन। रिप्रोडक्शन जो होता है बडिंग के द्वारा होता है, बडिंग बडिंग एंड फ्यूजन दोनों तरह से रिप्रोडक्शन होता है, बडिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन हो सकता है एंड फ्यूजन के द्वारा भी हो सकता है, राइट। नेक्स्ट है सेलवाल अब्सेंट, सेलवाल पाई नहीं जाती क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है लिपोप्रोटीन का एक मेम्ब्रेन पाया जाता है। नेक्स्ट है दे आर बोथ आर एन ए डी एन ए प्रेजेंट, इसमें दोनों पाए जाते हैं, डी एन ए भी मिलता है और आर एन ए भी पाया जाता है। दे आर सेंसिटिव टू टेट्रासाइक्लिन, यह टेट्रासाइक्लिन से सेंसिटिव होता है, टेट्रासाइक्लिन से कंट्रोल किया जा सकता है एंड रेसिस्टेंट टू पेंसिलिन, पेंसिलिन के प्रति रेसिस्टेंट होता है, इस पर पेंसिलिन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, राइट। नेक्स्ट है फर्स्ट रिपोर्टेड डिजीज इन प्लांट ड्वार्फ डिजीज ऑफ मलबेरी, पहली बार जो डिजीज प्लांट में लगा था इसलिए इसको मलबेरी डिजीज प्लांट में लगा था इसलिए इसको मलबेरी ड्वार्फ डिजीज मलबेरी कहते हैं। अभी तक इसके पहले तो ये जानता था कि माइकोप्लाज्मा न्यूमोनी जो है सिर्फ ह्यूमन बॉडी में डिजीज काज करता है और फेफड़े में और यूरिन के आसपास का इन्फेक्शन सबसे ज्यादा होता है, लेकिन बट जब प्लांट में डिजीज काज करने लगा तो ये मान जाने लगा कि नहीं, ये जो माइकोप्लाज्मा प्लांट में डिजीज भी काज करता है, इसलिए इसका अब्लिक नाम रख दिया गया फाइटोप्लाज्मा, राइट। तो पहली बार जो डिजीज रिपोर्ट की गई थी प्लांट ड्वार्फ डिजीज या मलबेरी पे डिजीज काज किया था, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट है 16 कि दे आर यूनिसेलुलर ट्रांसमिटेड बाय ग्रैफ्टिंग एंड डॉलर, जो ये एक उसकी जीव दे आर इजुअली ट्रांसमिटेड, यह प्राय इससे ट्रांसमिटेड हुआ ग्रैफ्टिंग के द्वारा एंड डॉलर के द्वारा, ग्रैफ्टिंग कटिंग के द्वारा, और डॉलर आपको पढ़ाया भी गया था कि लिविंग पैरासाइट होता है तो डॉलर के द्वारा ये ट्रांसमिटेड होता है, राइट। नेक्स्ट है इंसेक्ट वेक्टर, कुछ इंसेक्ट वेक्टर भी इसको ट्रांसमिटेड करते हैं, लिफाफर करता है, प्लांट हाफर करता है, राइट, ये सब इसको ट्रांसमिटेड करते हैं। नेक्स्ट है एरोबिक एंड एनएरोबिक कंडीशन, देखिए दो कंडीशन में भी दोनों कंडीशन में जीवित रहता है। एरोबिक मींस होता है कंपलसरी रिक्वायर इन ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी उस ऑर्गेनिज्म में जो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है उसे ऑर्गेनिज्म को हम एरोबिक भी कहते हैं, एंड एनएरोबिक जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत ही न पड़ती हो अपना जीवन यापन करते हैं एनएरोबिक कंडीशन। तो बोथ कंडीशन आर इंक्लूड्स एरोबिक एंड एनएरोबिक। नेक्स्ट है कि द डिजीज एलोइंग क्लोरोसिस एंड क्लॉटिंग, यह जो डिजीज उत्पन्न करता है या एलोइंग होता है पीला रंग का हो जाता है, क्लोरोसिस हो जाता है, शॉर्ट पौधे बौने हो जाते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी पत्तियां बाहर निकल आती हैं, तो बहुत सारे डिजीज काज करता है। सो हमने देखा कि आज का माइकोप्लाज्मा आपका है स्फेरिकल बॉडी होता है, पहली बार नोगार्ड एंड रफ साहब ने 1898 ईस्वी में सीरम पे उगाया था और डुई एट आल ने सबसे पहले 1967 में रिपोर्ट किया था। यह विदाउट सेलवाल होता है, सिर्फ लिपोप्रोटीन का मेम्ब्रेन होता है, कोकस बॉडी होता है, इसको फ्राइड एग के नाम से भी जानते हैं,
और प्लियोमार्फिक होता है, और इसको कल्चर और फिल्टरेबल, जो बैक्टीरिया फिल्टरेबल से नहीं छाना जा सकता, राइट। आप इसके लिए शेयर करिए, लाइक करें एंड देखें। ओके, थैंक यू।